हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम एसएससी और सीईटी से जुड़े दो बड़े अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों ही अपडेट्स आज ही आए हैं आपके, और क्या हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक तो अपडेट है आपका, ये स्टेटस रिपोर्ट है रिजल्ट के बारे में। ये बहुत जरूरी थी, काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी। तो 6/7/2021 के हिसाब से इन्होंने स्टेटस रिपोर्ट दी है, जिसके अकॉर्डिंग जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो पेपर टू का एग्जाम है उसका रिजल्ट ये 15 जुलाई को जारी कर देंगे। इसके अलावा CHSL 2018 का फाइनल रिजल्ट जो है वो ये 30 सितंबर को जारी करेंगे, यानी कि जिसका DV अभी चल रहा है, अभी 1 जुलाई से शुरू हुआ है, इसका 30 सितंबर तक ये रिजल्ट जारी करेंगे। इसके अलावा CHSL 2019 का टीयर 2 जो है उसका रिजल्ट जो है वो 30 तारीख को ही उसका रिजल्ट भी पब्लिश करेंगे, यानी कि CHSL 2018 का रिजल्ट साथ ही साथ CHSL 2019 के टीयर 2 का रिजल्ट वो भी एक साथ पब्लिश होगा 30 सितंबर को ये पब्लिश करेंगे। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर यानी कि जो JEE का एग्जाम है उसका पेपर 2 का जो रिजल्ट है वो 30 नवंबर को जारी करेंगे। तो ये अभी तक इन्होंने इन 4 एग्जाम्स का स्टेटस रिपोर्ट बताया है, बाकी एग्जाम का स्टेटस रिपोर्ट नहीं बताया है। साथ ही साथ इन्हें CGL 2019 के रिजल्ट का स्टेटस भी बता देना चाहिए था कि फाइनल रिजल्ट कब तक देंगे, क्योंकि अभी DV CHSL का चल रहा है, इसके बाद CGL का DV होगा, उसके बाद इसका भी रिजल्ट बता देते कि कब तक देंगे, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो सकती थी। हालांकि इन्होंने सिर्फ इन 3 एग्जाम्स का बताया है, जिससे हमको ये पता लग रहा है कि इनका रिजल्ट कब होगा। अब जो दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है वो आज का ये है कि CET को लेकर, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर काफ़ी समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। मैंने वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि सितंबर में पहले कहा गया था और वो नहीं हुआ, तो मैंने पहले कहा था कि ये एग्ज़ाम अब पोस्टपोन होगा। आप आई बटन पे यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो मैंने बनाया था जिसमें आप देख पाओगे कि CET का एग्ज़ाम के बारे में मैंने बात की थी। जो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, इन्होंने कहा है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जॉब एस्पिरेंट्स विल बी कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम अर्ली 2022। तो फिलहाल सितंबर में होने वाला था, जो कि अब अर्ली 2022 में के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये अर्ली 2022 का मतलब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए फेब्रवरी टू अप्रैल लगा सकते हैं, क्योंकि जनवरी में होता तो शायद ये खुद बता देते, बट अगर मान लो हम जनवरी भी कंसिडर कर लेते हैं, तो मेरा जो समझ में आता है वो यही आता है कि जनवरी टू अप्रैल कभी भी ये एग्जाम CET करा सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा अब वो जनवरी टू अप्रैल होगा, और अगर ऐसा होता है तो देर इज अ हाईली लाइकली, ये बहुत संभावना है कि CGL 2021 जो है वो भी आपका बिना CET के कंडक्ट किया जाएगा। तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि CGL 2021 में CET अब एक रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि बाय द ईयर एंड CGL 2021 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। पिछले साल दिसंबर में आया था, इस बार भी दिसंबर तक आ जाएगा CGL 2021 का नोटिफिकेशन। और अगर CGL 2021 का या 20 का जो 21 का नोटिफिकेशन है वो आ जाता है दिसंबर तक, और ये अर्ली 2022 में होगा, यानी कि अब ये तो अगले साल ही होगा, तो फिर हम ये मान सकते हैं कि CGL 2021 जो है वो बिना CET के ही कंडक्ट होगा। अब ये बात CGL 2020 के लिए 22 के लिए टल चुकी है, तो आप ये मान सकते हैं CGL 2021 वाले बच्चे जो हैं पूरी तरीके से रिलैक्स हो सकते हैं और आराम से अपनी SSC की तैयारी जैसे कर रहे हैं वैसे जारी रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी पर मेरा पैरा जंबल्स क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बैच चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जुलाई से बैच चल रहा है, 3 बजे दोपहर में इसमें क्लास होती है। कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स है जो कि रात में 8 बजे क्लास होती है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन का, ये 23 जुलाई से शुरू होगा, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का, ये 15 जुलाई से शुरू होगा, दोपहर के 3 बजे इसमें क्लास होगी, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेली फ्री क्लासेस होती हैं 1 PM और 5 PM पे, और आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी डिस्काउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको रेफरल कोड यूज़ करने पे। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अभी ऑफर चल रहा है, अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ठीक है, और अभी जो प्राइस है वो आपका 5850 होगा आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड AMANT।
ठीक है, और दो साल का सब्सक्रिप्शन 7020 में आपको मिल जाएगा, तो बेसिकली 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। और अगर आप एसएससी और बैंक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 साल पे अभी 6 महीने और 2 साल पे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन बैंक और एसएससी का 8000 रुपए का आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड AMANT, एंड 2 साल का सब्सक्रिप्शन 10000 रुपए का आफ्टर यूजिंग माई कोड AMANT आपको मिल जाएगा। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, इसके अलावा सारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, और बाकी मैंने CET से रिलेटेड आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है, और CET से क्या बदलेगा, कैसी क्या चीज़ें होंगी, उनके बारे में हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ जितनी बात बताई आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड रील्स वगैरह देता रहता हूँ। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा कॉमेंट सेक्शन में पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।